After being granted bail, top BJP leaders embroiled in the 1992 Babri Masjid demolition case have been charged with criminal conspiracy for the destruction of the mosque by a Hindu mob. The court rejected the discharge petition filed by them and said they will be charged under Section 120B of the Indian Penal Code. चार्ज के लिए हमने एप्लीकेशन दिया था कि 120B का इसमें चार्ज फ्रेम नहीं होता, 120B के चार्ज की कोई एविडेंस नहीं है, उस एप्लीकेशन पर आर्ग्यू हुआ और वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही डायरेक्शन था कि लोअर कोर्ट इसमें 120B का चार्ज बनाए, तो कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके। अरे भाई, अवर काउंसिल्स विल फेस द एडिशनल चार्ज ऑफ 120B। द लीडर्स प्लीडेड द कोर्ट टू ड्रॉप कॉन्स्पिरेसी चार्जेस अगेंस्ट देम। The court has rejected the plea. The Supreme Court had on April 19th ordered prosecution of Advani Joshi, 58-year-old Uma Bharti and other accused of criminal conspiracy. The demolition of the mosque in Ayodhya in Uttar Pradesh unleashed deadly riots across country, killing about 2,000 people. There was a blame game also going on among the accused, however, quite the unexpected way. Mahant Ram Vilas Vedanti is trying to take the whole blame on himself. अडवाणी जी और जोशी जी ने साफ शब्दों में कहा था, कार्यसेवकों आप ढांचा से नीचे उतर आइए, आपको आपकी कार्यसेवा पूरी हो गई। विश्व हिंदू परिषद ने निर्णय लिया था कि एक मुट्ठी बालू ले जाएंगे और राम चबूतरे में छोड़ेंगे, यही हमारी कार्यसेवा होगी। लेकिन राम भक्तों ने सोचा कि जब तक ये रामलला का खंडहर रहेगा तब तक मंदिर का निर्माण नहीं होगा, इसलिए उस रामलला के खंडहर को तोड़कर भव्य मंदिर निर्माण करने के लिए हमने कार्यसेवकों को ललकार कर ढांचा को तोड़वाया।